बेसिक इंग्लिश ग्रामर सीरीज के डे टू में आपका स्वागत है। हाय गाइस, दिस इज कंचन एंड यू आर वाचिंग इंग्लिश कनेक्शन। डे टू में भी हम कवर करेंगे बेसिक एंड इम्पॉर्टेंट वर्ड्स। आगे बढ़ने से पहले आपको जरूर बता दूं कि अगर आपने डे वन मिस कर दिया हो तो उसे जरूर से देख ले, क्योंकि जैसे ही आप इंग्लिश बोलने की शुरुआत करते हैं तो जो वर्ड्स आपको चाहिए बोलने के लिए वो उस वीडियो में है। और इस वीडियो में जो वर्ड, जो सेंटेंस आपको सबसे ज्यादा अच्छा लगे वो कमेंट में लिख के जरूर बताइएगा। तो चलिए फटाफट आगे बढ़ते हैं बिना समय गंवाए और सीखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट एंड बेसिक वर्ड्स। तो सबसे पहले हमने जो वर्ड्स लिए हैं वो हैं आई, वी, यू, ही, शी, इट, एनी नेम एंड दे। ये वो वर्ड्स हैं जिनके जरिए आप अपने बारे में या किसी और के बारे में बात करते हैं। इन्हें कहा जाता है पर्सनल प्रोनाउंस। ठीक है, ये प्रोनाउंस है, प्रोनाउंस में भी कई कैटेगरी है, तो ये पर्सनल प्रोनाउंस कहलाते हैं। और उसमें भी अलग अलग कैटेगरीज है, जैसे कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। तो ये चीज आपके बहुत काम आने वाली है, क्योंकि आगे चल के जब आप टेंसेस सीखेंगे कि सेंटेंसेस कैसे बनाए जाते हैं तो वहां पे कई बार इस बात का जिक्र होगा कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, इनके साथ ये वर्ब आती है, इनके साथ ये आता है। तो इसके लिए आपका ये जानना बहुत जरूरी है कि ये है क्या। तो फर्स्ट पर्सन कहलाते हैं आई और वी। और क्यों कहलाते हैं ऐसे, आप इन्हें याद करने की कोशिश करेंगे तो मुश्किल होगा। अर्थ को समझते चलिए, आई और वी यानी कि अपने बारे में आप बात करेंगे तो फर्स्ट पर्सन कहलाएगा ये, और दूसरा है यू जिसे कहते हैं सेकंड पर्सन। जब हम किसी से बात करते हैं तो वो दूसरा पर्सन होता है, राइट। दूसरे व्यक्ति से हम बात करते हैं उसे हम तुम या आप कह के संबोधित करते हैं, तो उसे कहते हैं सेकंड पर्सन। ठीक है, उसके अलावा अब आता है थर्ड पर्सन जो कि है ही, शी, इट, दे। ही, शी, इट, दे जिनका मतलब होता है वह या फिर यह या फिर वे। तो जब हम तीसरे किसी की बात करते हैं उसके लिए ये कहलाते हैं थर्ड पर्सन। ठीक है, आगे और भी चीजें मैं बताऊंगी। अब सबसे पहले समझ लेते हैं इसकी प्रोनंसिएशन एंड मीनिंग। एक लेटर का ये वर्ड है आई। ठीक है, इसे प्रोनाउंस करते हैं आई, इसको कहते हैं हिंदी में मैं। तो जब भी आपको कभी मैं बोलना हो तो आप इंग्लिश में क्या बोलेंगे, आई। ठीक है, दूसरा है वी, डब्ल्यू ई, इसे प्रोनाउंस करते हैं वी, इसका अर्थ होता है हम। यानी जब आप अपने साथ और लोगों की बात करते हैं तो हिंदी में जैसे बोलते हैं कि हम आ रहे हैं, हम अच्छे हैं। ठीक है, आप और आपके साथ और लोग, तो उसे हम इंग्लिश में वी बोलते हैं, वी। ठीक है, अगला है यू, यू, Y O U, इसे हम प्रोनाउंस करते हैं यू, और इसका अर्थ होता है तुम या फिर आप। यानी कि अपने से छोटों को भी हम यू बोलते हैं और अपने से बड़ों को जिसे हम हिंदी में आप बोलते हैं उन्हें भी हम यू करके ही बुलाते हैं। ठीक है, अगला है ही, H E, इसे प्रोनाउंस करते हैं ही, और इसका अर्थ होता है वह। लेकिन ही हम यूज करते हैं सिर्फ लड़के के लिए, तो अगर आप किसी लड़के की बात कर रहे हैं तब आप ही बोलेंगे। ठीक है, अगला है शी, एस एच ई, इसे हम प्रोनाउंस करते हैं शी। याद रखिएगा ये शब्द है, इसे आप सी प्रोनाउंस नहीं करेंगे, इसे आप सी नहीं बोलेंगे, ये गलत हो जाएगा, आप बोलेंगे शी। शी मीन्स भी होता है वह, लेकिन ये यूज होता है लड़की के लिए। तो जब कभी भी किसी लड़की की बात करें तो शी का यूज करें। ठीक है, अगला है आई टी, इट, इसे ईट नहीं बोलेंगे, इसे इट बोलेंगे, छोटी। इसका अर्थ होता है यह, या फिर स्पोकन हिंदी में आप ये भी बोल देते हैं। और इट यूज होता है किसी सामान के लिए, किसी जानवर के लिए। उसके अलावा भी इट के बहुत सारे यूसेज है जो आप आगे के वीडियोज में सीखेंगे, अभी आप इसका मतलब समझिए और इसके यूसेज अब आगे देख लेंगे। ठीक है, अगला यहाँ मैंने लिख रखा है एनी नेम। तो जब भी किसी का नाम, जैसे कि राम, श्याम, गीता, सीता, ऐसे नाम लेकर आप सेंटेंस बोलते हैं तो वो थर्ड पर्सन की कैटेगरी में आते हैं, इसलिए मैंने यहाँ इसे लिखा है, लेकिन वो प्रोनाउन नहीं कहलाते, वो नाउन कहलाते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पे मैंने सिर्फ इसलिए लिखा है ताकि आप फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड पर्सन समझ सकें, ये प्रोनाउन नहीं, ये नाउन है। अब अगला है दे,
T-H-E-Y, इसे प्रोनाउंस करते हैं दे और इसकी मीनिंग यानी कि अर्थ है वे। दे का मतलब हो गया वे, यानी कि कई सारे लोग, एक से ज्यादा लोग, दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, उससे ज्यादा भी हो सकते हैं, उन्हें आप दे कह के बताएंगे। वे आ रहे हैं, दे आर कमिंग। तो आई और वी हो गया फर्स्ट पर्सन, यू हो गया सेकेंड पर्सन, ही शी इट दे या फिर कोई नाम हो गया थर्ड पर्सन। लेकिन थर्ड पर्सन में दो कैटेगरीज हैं, ही शी इट और किसी का नाम, ये सिंगुलर हुआ, थर्ड पर्सन सिंगुलर, और दे क्या हुआ, थर्ड पर्सन प्लूरल। तो ये चीजें आगे आपके काम आएंगी, इसलिए इन चीजों को भी समझना जरूरी है। उसके अलावा मैं आपको अब बताती हूँ सेंटेंसेस के जरिए कि इनके साथ कौन से वर्ड्स यूज होते हैं। वर्ड्स को मैंने डे वन में कवर किया था, जिसमें कि आपने सीखा था इज, एम, आर, वाज, वर, विल बी, शैल बी। आज उन्हीं की हेल्प से हम इन प्रोनाउंस के साथ कुछ सेंटेंसेस बनाएंगे, तो आपके लिए रिविजन भी हो जाएगा और आपको ये समझ में आ जाएगा कि इनके साथ कौन सी वर्ड यूज करनी है। तो आई को लेके सबसे पहले चलते हैं। मैंने तीन कैटेगरी बनाई है, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, यानी कि वर्तमान, भूत और भविष्य। तो तीनों टेंसेस के हम सेंटेंसेस यहाँ बनाएंगे। तो सबसे पहले हमने लिया आई। आई के साथ मैंने पहले बताया था एम यूज होता है प्रेजेंट में सिंपल सेंटेंसेस के लिए। तो मैंने यहाँ सिंपल सेंटेंसेस ही लिखे हैं, कुछ मान लीजिए और भी सेंटेंसेस होंगे, लेकिन ज्यादातर सिंपल सेंटेंसेस लिखे हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। आगे चल के आप हर तरीके के सेंटेंसेस बनाना सीख पाएंगे। अभी हम बात करते हैं प्रेजेंट की, सिंपल सेंटेंस की। आई के साथ आता है एम। एम का मतलब होता है हूँ। आई एम हियर, हियर मीन्स यहाँ, मैं यहाँ हूँ, ठीक है। इसी सेंटेंस को पास्ट में बनाएंगे तो हम बोलेंगे आई वॉज देयर, मैं वहां था, मैं वहां था, पास्ट की बात कर रहे हैं। अब फ्यूचर में बनाते हैं आई शैल बी देयर, मैं वहां हूंगा, मतलब कि भविष्य में मैं वहां हूंगा, ठीक है। अब हमने आई के सेंटेंसेस देख लिए, आपने क्या सीखा कि प्रेजेंट में आई के साथ एम, पास्ट में आई के साथ वॉज और फ्यूचर में आई के साथ शैल बी आया। अब हम अगला देखते हैं वी के बारे में। वी को लेकर अगर हम बनाते हैं तो वी क्या है, वी प्लूरल है, वी प्लूरल है, इसके साथ आर आता है। वी आर फ्रेंड्स, हम दोस्त हैं। वी वर हैप्पी, पास्ट की बात कर रहे हैं, वी के साथ वर आया, वी के साथ वॉज नहीं आ सकता क्योंकि वी प्लूरल है। वी वर हैप्पी, हम खुश थे, वर की हिंदी होती है थे। फ्यूचर में एक सेंटेंस बनाएंगे, वी शैल बी फ्रेंड्स, हम दोस्त होंगे, ये भविष्य की बात कर रहे हैं, वी शैल बी फ्रेंड्स, हम दोस्त होंगे। तो आपने क्या सीखा कि प्रेजेंट में वी के साथ आर, पास्ट में वी के साथ वर और फ्यूचर में वी के साथ शैल आया, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं सेकेंड पर्सन यू की। तो यू हम यूज करते हैं अकेले इंसान के लिए भी, और उसके अलावा अगर आप कई लोगों को एक साथ संबोधित कर रहे हैं तो भी आप यू का ही यूज करेंगे, यू की कोई प्लूरल फॉर्म नहीं होती, ठीक है। तो यू सिंगुलर भी है, प्लूरल भी है। अब हमने सेंटेंस बनाया यू आर स्मार्ट, तुम स्मार्ट हो, तो ये हम प्रेजेंट में सेंटेंस हमने बनाया, ठीक है। अब अगर पास्ट की बात करें तो यू के साथ वर आएगा, यू वर स्मार्ट, तुम स्मार्ट थे। अब फ्यूचर में एक सेंटेंस बनाते हैं यू विल बी एट होम, ये सेंटेंस इससे अलग है। यू विल बी एट होम इसका मतलब हो गया तुम घर पर होगे, यू विल बी एट होम, तुम घर पर होगे। सपोज कि मैं ये कह रहा हूं कि मैं 6:30 बजे आऊंगा तब तुम घर पर होगे, यू विल बी एट होम, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं थर्ड पर्सन की। तो थर्ड पर्सन में सबसे पहले हमने लिख रखा है ही, ही लड़के के लिए यूज होता है, ही के साथ आएगा इज क्योंकि ही सिंगुलर है, ही इज नॉट हियर। नेगेटिव सेंटेंसेस आप आगे सीखेंगे, नेगेटिव सेंटेंसेस में नॉट हेल्पिंग वर्ब के बाद आता है, तो इसलिए इसके बाद यहाँ नॉट आया है, ही इज नॉट हियर, वह यहाँ नहीं है। पास्ट में बनाएंगे ही वॉज हियर, वह यहाँ था, वह यहाँ नहीं है। प्रेजेंट में पास्ट की बात कर रहे हैं कि वह यहाँ था, ही वॉज हियर।
फ्यूचर में एक सेंटेंस है ही विल बी एट होम, वह घर पर होगा. तो आपने क्या सीखा कि ही के साथ प्रेजेंट में इज, पास्ट में वॉज और फ्यूचर में विल. अब हमने लिया शी, शी के रूल सारे यही होंगे जैसे ही के साथ आपने यूज किया वर्ब वैसे ही शी के साथ भी यूज होगा, बट शी लड़की के लिए यूज होता है. शी इज ब्यूटिफुल, वह सुंदर है, प्रेजेंट में बात कर रहे हैं. पास्ट में बात करेंगे शी वॉज ब्यूटिफुल, वह सुंदर थी. मान लीजिए मैं बचपन की बात कर रही हूँ कि जब वो छोटी थी तो वो सुंदर थी, तो हम बोलेंगे शी वॉज ब्यूटिफुल. ठीक है, अगला है फ्यूचर में सेंटेंस शी विल बी सैड, वह दुखी होगी. शी विल बी सैड. अब बात कर लेते हैं इट की. तो इट को हम क्या बोलते हैं, यह या फिर ये, और यूज किसके लिए करते हैं, सामानों के लिए या फिर जानवरों के लिए. ठीक है, तो हमने यहाँ पे बोला इट इज क्यूट, तो यहां मैं किसी एनिमल की बात कर रही हूँ, इट इज क्यूट, ये प्यारा है. ठीक है, पास्ट में जब सेंटेंस बनाएंगे और मान लीजिए कि मैं किसी एनिमल की बात कर रही हूँ जो कि बीमार था, मैं बोलती हूँ इट वॉज इल, ये बीमार था. ठीक है, अब है फ्यूचर का सेंटेंस. फ्यूचर में मैंने एक सेंटेंस लिखा इट विल नॉट ईट, मतलब ये नहीं खाएगा. ये एक सिंपल सेंटेंस नहीं है क्योंकि यहाँ पे विल आ गया, एक वर्ब आई यानी एक क्रिया हुई खाने की. इट विल नॉट ईट, ये फ्यूचर इनडेफिनिट का सेंटेंस है कि यह नहीं खाएगा. इट विल नॉट ईट. अब जो मैंने कहा कि ये थिंग्स के लिए भी यूज होता है, इवन ऐसे भी सेंटेंसेस के लिए इट का यूज होता है जहां पे ये नहीं समझ में आता कि सब्जेक्ट क्या होगा, जैसे कि इट्स रेनिंग, बारिश हो रही है. तो मैंने यहाँ सेंटेंस लिखा इट्स गुड, ये अच्छा है. इट वॉज नाइस, ये अच्छा था. इट विल बी नाइस, ये अच्छा होगा. ठीक है, तो ऐसे इट के कई सारे यूसेज हैं जो आप आगे वीडियोस में सीखेंगे. अब जो मैंने यहाँ ले रखा है एनी नेम, तो एनी नेम में मान लीजिए नाम है मीरा, मीरा इज वेल, मतलब मीरा ठीक है. रोहन वॉज सिक, रोहन बीमार था. वॉज का यूज किया, पास्ट का सेंटेंस है. रोहन वॉज सिक, रोहन बीमार था. राम विल बी हैप्पी, राम खुश होगा. राम विल बी हैप्पी. तो इस तरह से अगर आप किसी एक के बारे में बात करें नाम लेके, तो वो सिंगुलर हो गया. और मान लीजिए आप कह रहे हैं कि मीरा एंड रोहन, दो लोगों को आपने जोड़ दिया, उसमें अगर राम को भी आपने ऐड कर लिया, मीरा रोहन एंड राम वर देयर, मीरा रोहन और राम वहां थे. तो यहाँ पे क्योंकि तीन लोगों की बात हुई तो वर आएगा, वॉज नहीं आएगा. अब नेक्स्ट देखते हैं दे. तो दे से प्रेजेंट में सेंटेंस बना, तो दे के साथ आया आर. दे आर सैड, वे दुखी हैं. पास्ट में सेंटेंस बना क्योंकि दे प्लूरल है तो इसलिए आर आया था. पास्ट में बना तो वर आएगा. दे वर हैप्पी, वे खुश थे. फ्यूचर में बनेगा तो दे के साथ विल आएगा. दे विल बी हियर, वे यहाँ होंगे. तो इस तरीके से आपने क्या सीखा कि ही शी इट और किसी के नाम के साथ प्रेजेंट में इज आया, पास्ट में वॉज आया और फ्यूचर में विल आया. लेकिन दे के साथ प्रेजेंट में आर, पास्ट में वर और फ्यूचर में विल आया. इस तरीके से आपने ये सीख लिया कि इन वर्ड्स के साथ, इन प्रोनाउंस के साथ कौन से वर्ड्स आते हैं, कौन सा सिंगुलर है, कौन सा प्लूरल है. और एक बात बता दूं कि पर्सनल प्रोनाउन में ये सब्जेक्टिव फॉर्म है. सब्जेक्टिव फॉर्म का मतलब एज ए सब्जेक्ट यूज हुए हैं. आप ऐसे ही बोलते ना मैं, हम, मैं जा रहा था, मैं खा रहा था, मैं आऊंगा, तो ये सब्जेक्ट की जगह पर यूज होते हैं. आप बोलते हैं आई ईट, I go, इस तरीके से आप इसे सब्जेक्ट की जगह पे यूज करते हैं. तो इनके ऑब्जेक्टिव फॉर्म्स भी होते हैं जो कि पर्सनल प्रोनाउन की ही कैटेगरी में आते हैं. ऑब्जेक्टिव फॉर्म मतलब जो ऑब्जेक्ट की जगह यूज होते हैं, जैसे कि उसने मुझे बताया, तो मुझे क्या है, ऑब्जेक्ट है. और मुझे की इंग्लिश क्या होती है, मी. तो ये आपने सीखे सब्जेक्टिव फॉर्म्स. अब मैं लेकर आती हूँ ऑब्जेक्टिव फॉर्म्स. उससे पहले आप ले लीजिए एक स्क्रीनशॉट. तो अब मैंने लिख दिए हैं ऑब्जेक्टिव फॉर्म्स. तो पर्सनल प्रोनाउंस वो भी थे, पर्सनल प्रोनाउंस ये भी हैं. इसमें हम सीखेंगे ऑब्जेक्ट्स के बारे में, मी, अस, यू, हिम, हर, इट और देम. अब इसे रिलेट करते हैं. आई सब्जेक्ट है, मी ऑब्जेक्ट की तरह यूज होता है, वी के लिए अस, यू के लिए यू ही होता है, ही के लिए हिम, शी के लिए हर, इट के लिए इट ही होता है और दे के लिए देन. तो
यू और इट। इनके सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव फॉर्म्स दोनों सेम ही रहते हैं और सबके अलग अलग हैं। इसे हम प्रोनाउंस करते हैं मी, एम ई मी। इसका मतलब होता है मुझे या फिर मुझसे। इसे हम प्रोनाउंस करते हैं अस, यू एस अस। इसकी मीनिंग होती है हमें या फिर हमसे। ये है यू, वाई ओ यू, जिसकी प्रोनंसिएशन आपने पहले भी सीखी। यू इसका अर्थ होता है तुम्हें या फिर आपको, तुमसे या फिर आपसे। तो छोटों के लिए हम तुम्हें या तुमसे बोलते हैं और बड़ों के लिए आपको और आपसे बोलते हैं, ठीक है। अगला है हिम, एच आई एम। इसे प्रोनाउंस करते हैं हिम और इसका मतलब होता है उसे या फिर उससे, लेकिन ये यूज होता है लड़के के लिए। फिर है हर, एच ई आर। इसे प्रोनाउंस करते हैं हर और इसे बोलते हैं उसे या फिर उससे, लेकिन लड़की के लिए। तो दोनों की मीनिंग सेम है, केवल फर्क है कि हिम लड़के के लिए और हर लड़की के लिए, जैसे कि आपने सीखा था ही और शी, ठीक है। इट की तो मैंने बता ही दिया कि इसके ऑब्जेक्टिव फॉर्म भी इट ही होती है, प्रोनंसिएशन भी इट ही होती है और इसका मतलब होता है इसे या फिर इससे। अब लास्ट है टी एच ई एम। इसे प्रोनाउंस करते हैं देम और इसका मतलब होता है उन्हें या फिर उनसे। तो दे देम, इट इट, शी हर, ही हिम, यू यू, वी अस, आई मी, ठीक है। अब सेंटेंसेस देखते हैं ताकि सारी चीजें अच्छे से समझ में आ जाएं। ही विल हिट मी, वह मुझे मारेगा। अब क्योंकि विल हिट है इसलिए मारेगा, वह मुझे मारेगा, ही विल हिट मी। यहाँ ये सिंपल सेंटेंसेस नहीं है, ये सेंटेंसेस आप बनाना आगे सीख पाएंगे। यहाँ आप इनके यूसेज समझते जाइए कि किस तरीके से यूज होते हैं, ठीक है। अब आगे एक और सेंटेंस देखते हैं, ही टोल्ड मी। इसका मतलब होता है उसने मुझसे बताया। तो मी का मतलब मुझे भी होता है, मुझसे भी होता है। इन दोनों वर्ड्स के लिए आप यूज करेंगे मी। ही विल हिट मी, वह मुझे मारेगा। He told me, उसने मुझे बताया या उसने मुझसे बताया, ठीक है। अगला है she will call us। तो यहाँ मैं us के बारे में बताना चाह रही हूँ, यानी कि इसका मतलब हुआ she will call us, वो हमें बुलाएगी। she का मतलब वह या फिर वो भी बोलते हैं, हमें बुलाएगी। They will visit us, they means we, वे हमसे मिलने आएंगे। विल विजिट मतलब मिलने आएंगे, दे विल विजिट अस, वे हमसे मिलने आएंगे। तो हमें और हमसे के लिए हमने यूज किया अस। अगला है ही लव्स यू, वह तुमसे प्यार करता है। ही लव्स यू, वह तुमसे प्यार करता है। तो यहाँ पे यू एज एन ऑब्जेक्ट यूज हुआ है। अगला है दे रिस्पेक्ट यू, वे आपकी इज्जत करते हैं। दे रिस्पेक्ट यू, यहाँ पे ये एज एन ऑब्जेक्ट यूज हुआ है। अगला है गिव इट टू हिम। गिव मीन्स होता है देना, इट मतलब इसे, गिव इट टू हिम, इसे उसे दे दो। तो यहाँ हिम यूज हुआ है उसे के लिए और किसी लड़के के लिए। डिड यू टेल हिम, यहाँ इसका मतलब है क्या तुमने उसे बताया, क्या तुमने उसे बताया, डिड यू टेल हिम, या फिर क्या तुमने उससे बताया। तो उसे या फिर उससे के लिए हम क्या यूज करते हैं, हिम, ठीक है। अगला है कॉल हर अप। कॉल अप का मतलब होता है फोन करना, हर का मतलब हो गया उसे, उसे फोन करो, कॉल हर अप। आई टोल्ड हर, मैंने उससे बताया। तो यहाँ हर यूज हुआ है उसे या फिर उससे के लिए, ठीक है। अब अगला है इट के लिए, शी लाइक्स इट, वह इसे पसंद करती है, शी लाइक्स इट। हैव यू टच्ड इट, क्या तुमने इसे छुआ। तो इस तरीके से आपने इट का यूज किया। अब अगला है टेल देम, देम मतलब मैंने क्या बताया, उन्हें, टेल देम, उन्हें बता दो। Tell them to come,
उनसे बोलो आने के लिए, टेल देम टू कम, या फिर उन्हें आने के लिए बोलो, इस तरीके से आपने यूज किया देम का। तो आई थिंक कि अब आपको ये अच्छे से समझ में आ गया कि जब हम एज अ सब्जेक्ट यूज करते हैं तो हम आई वी यू ही शी इट दे का यूज करते हैं, जब हम एज एन ऑब्जेक्ट यूज करते हैं तो हम मी अस यू हिम हर इट और देम का यूज करते हैं। अब आप ले लीजिए एक स्क्रीनशॉट और राइट गाइज, इट्स ऑल फॉर टुडे। बेसिक इंग्लिश ग्रामर डे 2 आज यहाँ कंप्लीट होता है। आपने कई सारे ऐसे इंपॉर्टेंट वर्ड्स अब तक सीख लिए हैं जिनकी बहुत ही ज्यादा जरूरत पड़ती है जब आप इंग्लिश बोलने की शुरुआत करते हैं। एंड आई एम श्योर कि अब से आपको आई वी यू दे ही शी इट यानी कि पर्सनल प्रोनाउंस में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों को लेके कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगी और अब आप आगे से कभी भी कोई गलती भी नहीं करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, उसके बाद आने वाले बेल के निशान को जरूर दबाइएगा ताकि आप गलती से भी कोई एक डे का लेसन मिस ना कर दें। इस सीरीज का हर एक वीडियो देखना आपके लिए बहुत जरूरी है, तो अगर आपसे गलती से भी कोई मिस हो जाए तो उसे जाके चैनल पे जरूर देख लें और मेरी साइट विजिट करना ना भूलें www.englishconnection.online, वहां आपको सीरियल वाइज सारी वीडियोस मिल जाएंगी। मैं मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।